वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आशा करते बहुत अच्छे होंगे और हम लोग इतना स्माइल कर रहे होंगे। तो आज हम और हमारी दीदी बताने वाली है सूट की कटिंग, वो कैसे होगी आप लोगों को दिखाएंगे इसमें। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाप देख लेते हैं। तो नाप है सीने की चौड़ाई 30, लंबाई 30 और बाजू भी 16+8 है। 16 लंबाई है, 8 मोटाई है बाजू की, और जो कमर पर आएगा वो आएगा 16 इंची। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग आपको बताएंगे। तो ये जो सूट है, जो दामन पर कढ़ाई आती है, यहाँ पर जो कढ़ाई आती है फ्रंट पर, वो वाला सूट है। ये वाली कढ़ाई दामन पर आएगी। तो इसमें लोगों से अक्सर गलती हो जाती है कि जो दामन होता है वो ऊँचा नीचा हो जाता है, या फिर कटिंग मतलब डिजाइन की वजह से कटिंग में ही गड़बड़ हो जाती है। तो आज हम इसकी परफेक्ट ही कटिंग बताएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरीके से देखिए, आप लोग इसी तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है, और इसे सही से सेट करने के बाद हमें यहाँ पर मेन काम है, यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन है इसे परफेक्ट मिलाना है। अगर इसे परफेक्ट नहीं मिलाएंगे तो दामन ऊंचा नीचा हो जाएगा, और डिजाइन की वजह से ऊंचा नीचा ही रखना पड़ेगा, काट भी नहीं सकते। तो इसलिए इसे ढंग से यहाँ पर मिला देना है। सही से मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ नापनी है। तो चलिए हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। जो हमारी लेंथ थी वो थी 30 इंची, तो हम इसे 30 इंची पर निशान लगा देते हैं, और उसके बाद 1 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें सीने की चौड़ाई के हिसाब से लगाना है। तो सीने की चौड़ाई थी वो 30 इंची थी, तो उसका हम चौथा हिस्सा लगा लेंगे, 7.5 इंची पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 7.5 इंची पर निशान लगाते हैं। यहाँ पर निशान लगाने के बाद हम इसमें 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इसके बाद हमें गले के लिए निशान लगाना है। तो गले के लिए हमने 6 इंची निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे, वो हम रखेंगे डिजाइन वाले गले के लिए 3 इंची। तो यहाँ पर फ्रंट पर हम आगे वाले पार्ट में ही डिजाइन डालेंगे, तो हमने यहाँ 3 इंची पर निशान लगा लिया है। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमने रखे हैं 7 इंची के, और इस निशान को इस तरीके से लंबा थोड़ा कर देना है। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान, तो यहाँ से इस निशान को इस तरीके से लगा देना है, और यहाँ पर हमें 6 इंची पर निशान लगा देना है आर्म होल के लिए, और इस निशान को इस तरीके से राउंड में मिला देना है। अगर इस तरीके से नहीं लगाना है तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से फीसता रख कर और इस निशान को पहले सही से मिला लें, उसके बाद इसमें से 1 इंची माइनस कर दें। देखिए हमने परफेक्ट इसी तरीके से किया है। तो अगर आप अंदाजे से जानते हैं तो अंदाजे से लगा सकते हैं, वरना ये वाली ट्रिक तो काम आ ही जाएगी। अब उसके बाद हम चौक के लिए निशान लगाएंगे, तो 15 इंची पर हमारे चौक आ रहे हैं, तो हमने 15 इंची पर निशान लगा लिया है। उसके बाद जो चौक कमर पर हमारा था वो 16 इंची था, तो उसका हमने 8.5 इंची लगा लिया है यहाँ पर। उसके बाद इस निशान को यहाँ पर मिला देना है। अब यहाँ पर हमें लूजिंग देनी है, तो 1 इंची की यहाँ पर हम लूजिंग देंगे। यहाँ पर 1 इंची की लूजिंग हमने दे दी है। यहाँ पर थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 इंची की लूजिंग डाल रखी है। यहाँ पर परफेक्ट कट फिटिंग आएगी, और निशान को हमने मिला दिया है। अब हमें लगाने हैं दामन वाले निशान। तो दामन हमें रखना है 16 इंची का, तो उसका हमने हाफ रख लिया है 8 इंची। यहाँ से हमने 8 इंची रख लिया है, 8 इंची पर निशान लगा देते हैं। उसके बाद इसमें 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर चौक वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी हम 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब जो मार्जिन वाला पोर्शन है वहाँ पर हम मार्जिन वाला निशान लगा देंगे, और जो परफेक्ट वाला है वहाँ पर परफेक्ट वाला निशान लगा देंगे। अब मार्जिन ये तो परफेक्ट वाली हो गई, और ये मार्जिन वाली हो गई। यहाँ पर हमें मार्जिन नहीं लेना, यहाँ पर हमें परफेक्ट ही कटिंग करनी है। वो सिलाई में जाएगा उतना ही मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें काट के अलग कर देना है। तो चलिए हम इसे काट के अलग कर देते हैं।
यहाँ पर हमने देखी काट कर अलग कर दिया है, यहाँ से हमने पूरा काट कर अलग कर दिया। गला भी नहीं काटा है क्योंकि यहाँ पर बनेगा डिजाइन वाला गला, तो यहाँ पर बुकरम डाल के पहले हम गला तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसे अटैच करके और काट के हटाएंगे। तो अभी हम इसे नहीं काटेंगे। अगर आपको नॉर्मल गला चाहिए तो गोल गला के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, यहाँ 2 इंची काटना है। यहाँ पर देखो हम बता रहे हैं फीते से, यहाँ पर हमें 2 इंची पर निशान लगाना है इस तरीके से, और लेंथ हमें रखनी है 6 इंची रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 2 इंची पर और निशान लगाना है, और इन निशानों को एक दूसरे निशान से यहाँ पर राउंड करके, यहाँ राउंड करना है और इस तरीके से हमें मिला देना है, इसे काट कर अलग कर देना है। हम इसे नहीं काटेंगे क्योंकि हमें बनाना है डिजाइन वाला गला, तो हम इसे बिल्कुल नहीं काटेंगे अभी, इसे रख देंगे साइड। और हमने बाकी के कपड़े से इसे डबल फोल्ड करके बैक साइड निकालना है, तो इस कपड़े को हम इस पर बिछा लेंगे इस तरीके से, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे सही से सेट करने के बाद हम उसी के अकॉर्डिंग काट के हटा देंगे। अभी इसी तरीके से इसे काट कर हटा देंगे। तो चलिए हम इसे काट कर हटा देते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे आपको। यहाँ से हमने काट दिया है, दोनों पार्ट हमारे बनके तैयार हैं इस तरीके से। ये फ्रंट है और ये बैक साइड का है। अब हमें क्या करना है, एक काम, हाँ ये जो गला है इसका फ्रंट का वो तो नहीं काटा, अब बैक साइड का गला है वो भी हम नहीं काटेंगे क्योंकि डिजाइन के अकॉर्डिंग ही कटेगा। अब बाकी के कपड़े हमें बनाए स्लीव्स, तो इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड किया इस तरीके से, और इसे एक और बार फोल्ड किया, मतलब 4 फोल्ड हो गया। अब ये यहाँ पर हमने सही से सेट करना है। अब हमें इसकी लेंथ नापनी है, तो हमारी यहाँ पर पहले 1.5 इंची हम करीब यहाँ पर निशान लगा लेंगे, जो यहाँ पर लौट कर सिलाई डालेंगे वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद लेंथ नापनी है, तो लेंथ थी हमारी 16 पर निशान लगा दिया, उसके बाद 1 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पर हमें जो चौड़ाई रखनी है वो 8 इंची लगा देंगे हम निशान। उसके बाद जो हैंड के साइड होती है चौड़ाई वो थी 8 इंची, तो हम उसका 4.5 इंची लगा दिया निशान। उसके बाद 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे, और इस निशान को भी सीधा करके इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें 2 इंची डाउन करना है, अगर ज़्यादा मोटा इंसान है तो फिर यहाँ पर आपको 2.5 इंची डाउन करना है, लेकिन नॉर्मल साइज के लिए 2 इंची डाउन करें। इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी राउंड में निशान लग गया है। अब इसे हम काट के अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम काट के अलग कर देंगे इस तरीके से। इस मेथड को आप एक बार आजमाइएगा ज़रूर, इस मेथड से अगर काटेंगे तो बहुत ही सुंदर स्लीव्स निकल के आएंगी। अब देखिए यहाँ पर पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है, हमने स्लीव्स भी काट ली हैं और फ्रंट और बैक साइड दोनों के पार्ट काट लिए सूट वाले। तो यहाँ पर हमने अभी गला नहीं काटा है क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है डिजाइन, तो हम कई बार कह चुके हैं डिजाइन बनानी है तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से बोट नेक गले की तरह डिजाइन बनाएंगे और उसमें कुछ डिजाइन करेंगे, तो वो हम बताएंगे आपको स्टिच करते वक्त। आप लोग वो वीडियो ज़रूर से देख लें, स्टिचिंग की वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस कटिंग के लिए एक लाइक तो बनता है, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।